हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बच्चों, हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेल कोट, कोट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग, और प्रोटोप्लाज्म। तो आप ये कह सकते हो कि सेल के बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज़ द सेल कोट, और उसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। तो अगर इनको भी हम फर्दर डिवाइड करें तो सेल कोट में दो चीज़ें आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइप के सेल में आपको ये सभी चीज़ें मिलें। कुछ सेल्स में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल नहीं होती। कुछ में सेल वॉल होता है बट ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बैक्टीरिया और एनिमल के सेल में हो सकता है, और जो सेल वॉल है वो प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल सेल में होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद बात आती है प्रोटोप्लाज्म की। अगर आप किसी सेल वॉल सेल में से सेल वॉल वाला पार्ट रिमूव कर दो, सेल कोट हटा दो, तो उसके अंदर का जो बाकी का पोर्शन बचता है दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में तीन चीजें आती हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, जिसको आप हिंदी में कोशिका द्रव्य भी बोलते थे, इसको भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होता है हियालोप्लाज्म और एक होता है ट्रोफोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, मतलब जो जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका अंगक नहीं है, उस लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं हियालोप्लाज्म। और उसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है जैसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल इंक्लूजन्स हैं, वो बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। तो सेल ऑर्गेनेल्स भी तीन तरह के हो सकते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक ही परत होती है, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज, जिसमें ग्लाइऑक्सीजोम, स्पेरोसोम, परोक्सीजोम्स आते हैं। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जैसे राइबोसोम्स या सेंट्रोसोम्स। और सेल इंक्लूजन्स में आते हैं वैक्यूल, गैसेस या और कुछ चीज़ें जो हमारे सेल में स्टोर रहती हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है दैट इज़ लाइक द कंट्रोल यूनिट ऑफ आवर सेल, जो हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में बेसिकली चार चीज़ें होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसके बाहर उसको सराउंड करती है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करने के लिए उसका जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज द न्यूक्लियोलस, और इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग तरह के सेल एनवेलप हो सकते हैं, और सेल एनवेलप में पाए जाने वाले डिफरेंसेस के आधार पे हमने बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं। तो ग्राम स्टेन क्या होता है बच्चों? क्रिश्चियन ग्राम के एक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेन बनाया था क्रिस्टल वायलेट। तो जिन बैक्टीरिया में वो स्टेन चढ़ जाता था, उनका कलर पर्पल सा हो जाता था, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते थे, और जिन बैक्टीरिया में वो स्टेन नहीं चढ़ता था उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते थे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो उनका सेल एनवेलप होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, बीच वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मतलब अगर आप सेल का डायग्राम देखो तो सबसे बाहर जो है यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगी, उसके बाद सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो ये तीनों चीजें देखने में एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, लेकिन वास्तव में ये तीन अलग अलग चीजें हैं। इनमें जो सबसे पहले आती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर का मतलब होता है कि खुली खुली सेल से भी बनी हुई हो सकती है या कैप्सूल की तरह टाइट भी हो सकती है। सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है कि वो सेल की शेप को डिटरमिन करता है। उसके अलावा वह बैक्टीरिया को सपोर्ट देता है कि वो आसानी से फट ना सके, मतलब उसकी शेप को मेंटेन करेगा, उसे सहारा देगा कि वो हर कंडीशन में अपनी शेप को मेंटेन रखे, बस्ट ना होए, फटे ना या इकट्ठा ना होए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से कुछ सब्सटेंसेस को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से ही कुछ एक्सटेंशन यानी कि कुछ छोटे छोटे पार्ट्स है जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं,
और वो मीजोजोम बनाते हैं। तो ये मीजोजोम वेसिकल्स यानी कि ऐसे सर्कल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, टिब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या लैमिले की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये मीजोजोम्स क्या करती हैं, ये मीजोजोम्स प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल बनाने में हेल्प करती हैं, उनके डीएनए को रेप्लिकेट करना मतलब उसकी कॉपीज बनाना, और डॉटर सेल्स में भी डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना, रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में हेल्प करना, इन सब चीज़ों में ये मीजोजोम्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि फ्लैजिला जो है एक लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको एक हार्ड चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं तो बाकी का ऑर्गेनिज्म जो है उसको पकड़ के मूव ऑन कर सकता है। तो फ्लैजिला बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे फ्लैजिला में एक बेसल बॉडी होगी जिससे वो अटैच रहेंगे, उसके बाद उसमें एक फिलामेंट मतलब एक धागे जैसा पार्ट होगा, और उसके आगे हुक होगा जिसके साथ वो किसी भी सहारे से जुड़ सकता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में पिलाई और फिम्बरे, ये भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनकी सरफेस पे पाए जाते हैं, और वो हेल्प करते हैं कि बैक्टीरिया जो है रॉक्स या होस्ट के टिश्यू मतलब जिस होस्ट टिश्यू से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसके शरीर से चिपकने के लिए ये पिलाई और फिम्बरे जो है वो इसकी हेल्प करते हैं। तो बच्चों हमने जितने भी ये सेल के अंदर के पार्ट्स पढ़े, अब हम इन सारे पार्ट्स को डिटेल में करेंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें किस तरीके से होता है, अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स हैं या जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोट्स में किस तरीके से पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है और वो हमारे सेल के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपको अगर आपके पास कोई हेल्प बुक होगी तो आप देखोगे बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको सिर्फ मॉडल का नाम पता होना चाहिए। डेप्थ में हम जिस मॉडल को करेंगे दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि वही मॉडल है जिसे हम आज तक एक्सेप्ट करते आए हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो ओवरटन ने दिया था, दैट इज द लिपोइडल मॉडल। उसके बाद जो दूसरा मॉडल था उसे गोटर और ग्रैंडल ने दिया था 1925 में, उसे हम लिपिड बाई मोलिकुलर मॉडल भी बोलते हैं। तीसरा मॉडल जो था वो लैमिलर मॉडल था, जिसे 1935 में दिया गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली ऐसा मान सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की दो लेयर्स होती हैं, उन दोनों लेयर्स के बीच में फॉस्फोलिपिड्स यानी कि फॉस्फोरस और लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो बाई लेयर बना के डबल लेयर बना के इसके बीच में सैंडविच हो जाते हैं। जैसे आपने सैंडविच खाया होगा, सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड के दो स्लाइस होते हैं, उन दोनों स्लाइस के बीच में हम मक्खन या जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज थी कि हम ऐसे मान सकते हैं कि प्रोटीन की दो लेयर हैं जो ब्रेड की तरह काम करती हैं, और उन दोनों लेयर्स के बीच में फॉस्फोलिपिड की एक बाई लेयर होती है जो स्टफिंग का काम करती है। उसके बाद 1959 में एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूनिट है मतलब सिंगल लेयर है। लेकिन जो सबसे लास्ट में मॉडल दिया गया दैट वाज इन 1972 व्हिच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, मतलब इस मॉडल में आप कह सकते हो कि फर्दर कोई कमियां नहीं थी, तो इसी को सबसे ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है। वैसे तो आपको इसका डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पर भी मिल जाएगा, पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने भी इसका डायग्राम अगले पेज पे बना दिया है। पर डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों एक शब्द आ रहा है फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब ये है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लचीली होती है जैसे जेली होती है, मतलब पूरी तरह से आप उसको पानी भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से आप उसको सॉलिड भी नहीं बोल सकते हो। और इसमें ऐसा माना जाता है मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब होता है जब किसी चीज़ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ है तो अगली चीज़ यहाँ आएगी, मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी बिखरी हुई होती है तो उसको मोज़ेक बोलते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली ये कहा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम ये मान सकते हैं कि लिपिड्स का एक समुद्र है, मतलब लिपिड्स ही लिपिड्स भरे हुए हैं और लिपिड्स ने एक समुद्र बनाया हुआ है। तो उस समुद्र में जो प्रोटीन है वो बर्फ के टुकड़ों की तरह कहीं कहीं पे गिरे हुए हैं, मतलब उनकी कोई फिक्स जगह नहीं है, कहीं कहीं पर वो लिपिड्स के अंदर बिखरे हुए हैं।
और लिपिड की जो नेचर है वो फ्लूइड की तरह होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फ्लूइड की तरह होने की वजह से जो प्रोटीन्स उनके अंदर पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स मूव कर सकते हैं, मतलब उस लिपिड्स के अंदर, बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन्स है वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, कि मतलब मॉडल जो है वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। इस मॉडल में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिपिड है वो अकेला नहीं होता, लिपिड जो है फॉस्फोरस के साथ मिलकर एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाता है। बाइलेयर का मतलब होता है बच्चों दो लेयर, कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक लेयर लिपिड्स की यहाँ पे और एक लेयर यहाँ पे, मतलब लिपिड्स ने दो लेयर बना रखी हैं, तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं, मतलब कि फॉस्फोरस और लिपिड से बनी हुई दो लेयर्स। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो प्रोटीन्स हैं वो तैरते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसमें जो ये फैटी एसिड्स है हम इनको इस तरीके से दर्शाते हैं, इसमें जो इनका गोल वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं हेड रीजन, और जो ये वाला हिस्सा इसे हम बोलते हैं टेल रीजन। तो इनका जो हेड रीजन होता है वो यहाँ पे, सॉरी अच्छा आप हेड कर लेना, इसमें जो इनका हेड रीजन है वो फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है और जो टेल रीजन है वो फैटी एसिड का बना हुआ है। तो जो यहाँ पे हेड रीजन है जो फॉस्फेट का बना हुआ होता है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को प्यार करने वाला, और जो इनका फैटी एसिड वाला एरिया जो टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से दूर भागने वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इनमें फैटी एसिड वाला पार्ट है वो वाटर रिपेलिंग है, पानी से दूर भागता है, इसलिए वो अपने आप को अंदर की तरफ छुपा लेता है। लेकिन जो इनका फॉस्फेट वाला हेड रीजन है वो पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए वो बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके अलावा आप देखोगे कि इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स इसके बेस पे प्रेजेंट है, ऊपर तले तले पे प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, यानी कि जो बाहर की तरफ हैं। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से या आधे इसके अंदर तक घुसे हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और क्योंकि आपको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों चीजें दिखती हैं तो इसको हम एम्फीपैथिक भी बोल सकते हैं। अब कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो दो प्रोटीन्स हैं कौन कौन से, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, अगर इनमें आपको डिफरेंस बताना हो तो आप कैसे बता सकते हैं। जो प्रोटीन तले तले पे पाए जाते हैं, उसके सरफेस पे होते हैं, उन्हें आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोल सकते हो या उन्हें आप पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। लेकिन जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर तक डूबे हुए होते हैं, पार्शली मतलब थोड़े भी डूब सकते हैं, पूरे भी डूब सकते हैं, उन्हें हम इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोल देते हैं। तो जो प्रोटीन्स आपके पेरिफेरी पे पड़े हैं वो प्रोटीन घुल जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था उधर हाइड्रोफिलिक हेड है, तो मतलब वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा देर तक वो अपने आप को बचाकर नहीं रख सकते। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो स्टेबल रहते हैं। अगर हम टोटल प्रोटीन्स में से देखें तो 30% प्रोटीन्स जो है वो सरफेस पे पाए जाते हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक है, और 70% प्रोटीन्स लगभग इंट्रिंसिक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल याद करना हो तो एक्सट्रिंसिक में आप याद रख सकते हो प्रोटीन जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन, और इंट्रिंसिक में आप याद रख सकते हो ग्लाइकोफोरिन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर सेमी परमिएबल होती है, मतलब ये अपने अंदर से सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही पास होने देती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स देखें कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो जो चीजें हैं वो लगभग सेम है, चाहे आप कोई भी सेल ले लो, उसमें लिपिड्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स भी होंगे, वाटर भी होंगे, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं रहती, अलग अलग सेल और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये परसेंटेज बदल सकती है। जैसे लिपिड्स 20 से लेकर 79% भी हो सकते हैं, अगर वो फैटी टिश्यू है तो लिपिड ज्यादा होंगे, मसल है तो लिपिड्स कम होंगे। प्रोटीन का कंटेंट भी 20 भी हो सकता है, 20 से 70 भी हो सकता है। ओलिगोसैकेराइड्स 1.5% के अराउंड होते हैं, वाटर 20% के अराउंड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, ये सेल्स को एक पर्टिकुलर शेप देती है, और जैसा कि हमने 21 लेसन में किया था, जब भी कोई नर्व इम्पल्स पास ऑन होती है तो वो एक सेल से दूसरे सेल तक उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो सोडियम और पोटाशियम आयन का पंप है उसमें भी जो आयन्स का एक्सचेंज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोफिलिक हेड है जो फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है,
हाइड्रोफोबिक टेल है जो फैटी एसिड की बनी हुई है। जो प्रोटीन्स अंदर की तरफ जाते हैं वो इंट्रिंसिक, जो सरफेस पे प्रेजेंट है उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, कुछ आपको इसमें रेड कलर के बीच बीच में दिखेंगे वो कोलेस्ट्रॉल है, और इस तरीके से जो आपको धागे की तरह दिख रहे हैं ये यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स है, मतलब प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए। ग्लाइको शब्द हम यूज करते हैं शुगर या कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो क्योंकि ये प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं तो इसलिए हम इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में अलग से भी शुगर मॉलिक्यूल्स आपको दिख जाए। तो डायग्राम में आपकी च्वाइस है, आप चाहे तो ये डायग्राम कर सकते हो या फिर आप अपनी बुक वाला डायग्राम भी कर सकते हो।